नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। पटना वासियों को जल्द ही मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। हालांकि अगर कोरोना की तीन लहरों की मार बिहार वासियों पर नहीं पड़ती तो शायद अब तक पटना वासियों को मेट्रो की सौगात मिल भी जाती, लेकिन कोरोना के कारण निर्माण कार्य में कई बाधाएं आई। इतना ही नहीं, पटना मेट्रो निर्माण में बजट की भी कई बार समस्या आई, कई बार ये बिगड़ा, जिसके बाद यह पटना मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य की प्रक्रिया जोर शोर से बढ़ा दी गई है। सब कुछ सही रहा तो जानकारी के अनुसार साल 2024 से पटना मेट्रो के फेज 1 का संचालन शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। कोरोना की कम हो रही लहरों के बीच पटना मेट्रो के निर्माण कार्य ने अब रफ्तार पकड़ लिया है और फेज 1 के साथ ही फेज 2 का भी निर्माण शुरू हो गया है। फेज 1 में दानापुर से खेमनी चक वाया मीठापुर होकर मेट्रो का परिचालन होने वाला है। वहीं फेज 2 की बात करें तो पटना जंक्शन से ISBT वाया गांधी मैदान होते हुए मेट्रो का संचालन होने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कंकड़बाग स्थित मलाही पकड़ी से न्यू ISBT रूट तक फेज 2 का आम लोगों के लिए इसे पहले से ही चल रहा था। अब तो जो काम में बढ़ोतरी हुई है उसके अनुसार अब अशोक राजपथ पर भी मेट्रो का काम शुरू होने वाला है। इसको लेकर घेराबंदी का काम भी शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार अब मिट्टी की जांच के बाद डिजिटल सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद ही स्टेशन के लिए पिलर की नींव भी रखी जाएगी। यही कारण भी है कि पटना मेट्रो के फेज 1 के जल्द ही शुरू होने की उम्मीद अब प्रबल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि पटना मेट्रो परियोजना के फेज 1 का काम तेज गति से चल रहा है। फेज 1 में मेट्रो का संचालन साल 2024 से शुरू होने की उम्मीद है। पहले फेज में 17.933 किलोमीटर मेट्रो ट्रैक निर्माण किया जाएगा, जिसमें एलिवेटेड ट्रैक 7.393 किलोमीटर और भूमिगत ट्रैक 10.540 किलोमीटर होने की उम्मीद है। मिली जानकारी के अनुसार फेज 1 के तहत 7 एलिवेटेड स्टेशन बन रहे हैं, जिसमें ही दानापुर, सगुना मोड़, RPS मोड़, पाटलिपुत्र, मीठापुर, रामकृष्णनगर और जगनपुर खेमनी चक शामिल है। इसके साथ ही 6 अंडरग्राउंड स्टेशन भी होंगे, जिसमें रुकनपुरा, राजा बाजार, चिड़ियाघर, विकास भवन, विद्युत भवन और पटना जंक्शन शामिल है। वहीं अगर हम फेज 2 की बात करें तो दर्जन भर स्टेशन में 5 एलिवेटेड स्टेशन है, जिसमें ही पकड़ी, खेमनी चक, भूतनाथ रोड, जीरो माइल और पाटलिपुत्र ISBT मेट्रो स्टेशन है। वहीं 7 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन भी है, जिसमें पटना जंक्शन, दूरदर्शन केंद्र, गांधी मैदान, PMCH, पटना यूनिवर्सिटी, राजेंद्र नगर और मोनियोलक स्टेडियम मौजूद है। फेज 2 के तहत 14.564 किलोमीटर का मेट्रो ट्रैक तैयार होगा, जिसमें एलिवेटेड ट्रैक 6.638 किलोमीटर और भूमिगत ट्रैक 7.926 किलोमीटर होगा। सबसे बड़ी बात यही है कि पटना मेट्रो के निर्माण कार्य में आ रही जमीन से जुड़ी बाधा अब दूर कर ली गई है। ताजा प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 72.56% जमीन उपलब्ध हो गई है। पटना मेट्रो परियोजना के लिए 43.95 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है, जिसमें 31 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है, जिसमें मीठापुर बस स्टैंड की 76 एकड़ जमीन भी शामिल है, जिसे मेट्रो डिपो के रूप में विकसित किया जा रहा है। मेट्रो परियोजना के लिए करीब 10.95 हेक्टेयर सरकारी जमीन की दरकार है, जिसमें NHAI से 6.35 हेक्टेयर की जमीन पर काम करने की अनुमति मिल चुकी है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी जमीन मुहैया करवा दी गई है। इतना ही नहीं, अब पटना मेट्रो परियोजना में सहयोगी जापान की कंपनी जायका से पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 5,520.93 करोड़ रुपए का ऋण यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया है, जो कि जापान के PM के भारत दौरे के बाद उम्मीद है कि जल्द ही पटना मेट्रो के लिए जायका से ऋण उपलब्ध हो जाएगा, जिसके बाद ही अब उम्मीद यही है कि जल्द ही पटना वासियों को मेट्रो की सौगात मिल जाएगी, जल्द ही लोग यहां पर मेट्रो से सफर कर सकेंगे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।